हेलो दोस्तों, मैं राजन चौधरी आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, उन लोगों के लिए जो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। आज मैं बात करूंगा पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम की। आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम की, ये होती क्या है। पहले मैं बताता हूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जो मर्जी कह लो, ये इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है मार्केट में इस टाइम। बाकी सारे धंधे इस टाइम मंदी की मार झेल रहे हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा मॉडल है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग चीज क्या है। मैं आज बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग चीज क्या है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ कंपनीज अपना प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मार्केट में उतारती हैं और कुछ कंपनीज अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मार्केट में उतरती हैं। जो कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मार्केट में उतरती हैं या आ रही हैं, बड़ी तेजी से ग्रो कर रही हैं। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को लोगों के बीच में पहुंचा रही है। आपको पता, आप रोज फ्री की एड करते हो, पर क्या आपको फ्री की एड से कंपनी कुछ देती भी है। ये सारा काम वर्ड ऑफ माउथ का है जी, सारा कुछ आपके रिकमेंडेशंस पर चलता है। हम बचपन से चीजों को रिकमेंड करते आए हैं। आपने एक मूवी देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, हम बचपन से चीजों को रिकमेंड करते आए हैं। आपको बहुत अच्छी लगी मूवी, आपने जाकर के सबको बताया, उसको प्रमोट किया, क्या आपको उसके कोई पैसे मिले? नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। आपके रिकमेंडेशन पर क्या आपको कुछ मिला? कभी भी नहीं मिला। आप बचपन से करते आ रहे हो, आपने किसी हलवाई के समोसे खाए, आपको उसके समोसे बड़े अच्छे लगे, आपने उसके समोसे को प्रमोट किया और अपने जानकारों को बताया कि यार समोसा उसी का खाना। क्या उस समोसे वाले ने, हलवाई ने आपको फ्री में समोसा दिया? नहीं दिया। आपने उसको उसकी दुकान पर किसी को भेजा कि समोसे वहीं पर जाकर लियो, और उसने आपका नाम भी लिया, क्या उस हलवाई ने आपको कुछ कभी कुछ दिया? नहीं दिया। पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी और आपने उसकी प्रमोशन करी, मार्केट में उसके बारे में बताया, तो कंपनी आपको उस चीज का पैसा देती है, आपकी इनकम शुरू हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर मैंने आपको बताया, आपको एक चीज के बारे में पता ही नहीं था, अब मैंने आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया कि एक मल्टी विटामिन प्रोडक्ट है जिसको खाने के बाद आपकी एनर्जी बूस्ट हो सकती है और आपकी बीमारी भी खत्म हो सकती है। आपने मेरे कहने पर उस मल्टी विटामिन को यूज किया और आपको उस प्रोडक्ट का फायदा हुआ। जब आपके रिकमेंडेशन पर आपके फ्रेंड ने वो प्रोडक्ट परचेज किया और आपको कमीशन आया। हर कंपनी का अलग अलग प्लान होता है। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो लोगों को जोड़ने का पैसा देती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स का प्रमोशन होगा, देन टर्नओवर जनरेट होगी और पैसा आएगा। सब कुछ आपके वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करता है जी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिससे कंपनी अपना प्रोडक्ट का बहुत बहुत कुछ आपको देती है। इसमें आप दो को बताओगे, ये दो आगे दो और को बताएंगे, तो इस प्रोडक्ट के बारे में दो के साथ साथ चार और को पता चल गया। तो साफ है जी, अगर कम वक्त में बहुत पैसा कमाना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्रोफेशन इस टाइम मार्केट में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है। अब आप पूछोगे कि सर पैसिव इनकम है क्या? पैसिव इनकम होती है कि आप काम करो या ना करो, आपके अकाउंट में पैसा गिरता रहेगा। और एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है कि मैं हार्ड वर्क करता हूं तभी पैसे कमाता हूं, और अगर मैं काम नहीं करता तो पैसे नहीं आते, इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। जैसे जॉब वालों के साथ होता है, समटाइम्स
जॉब करना एक किराए के मकान जैसा है, कभी भी लात पड़ सकती है और आपको मकान चेंज करना पड़ सकता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक जहाज की तरह है, आपको एक बार रनवे पे भागना है, एक बार आपको रनवे पे भागना है, और जिस दिन आपका जहाज उड़ गया वो उड़ान भी आपकी होगी और आसमान भी आपका होगा। सो आप क्या चाहते हो, पैसिव इनकम या फिर एक्टिव इनकम? आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक बार मेहनत करवाएगी, एक बार टीम तैयार करनी है आपने, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो लाइफ टाइम पैसे आते रहेंगे। अगर आप रिकॉर्ड्स उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इस पूरी दुनिया में जितने भी मिलियनेयर बने हैं वो सारे नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं। इसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग लें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार लें। अगर बिना स्किल्स के ज्वाइन कर गए तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो आपको मायूस होना पड़ सकता है, फिर आपको मायूसी देखनी पड़ेगी। जो ये आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मैंने एक वीडियो तैयार किया, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा, आगे भी कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर के आऊं। थैंक यू सो मच गाइस, खुश रहो, थैंक यू।